हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको जो अडेनियम प्लांट जो होता है उसको रिपोर्ट कैसे किया जाता है और उसकी प्रूनिंग कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक चीज़ और आपको अहम जानकारी देंगे कि ये प्रूनिंग या रिपोर्टिंग किस मंथ में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा ताकि आपसे अगला वीडियो जो है हमारा मिस ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है चार अडेनियम के प्लांट हैं। अभी ये दो प्लांट जो है, अभी हमने इनके पॉट थे जो है, वो दो पॉट आपको दिख रहे हैं, उनको उनसे हमने इनको अलग करके ये बाल्टी में पानी में इसको धुल दिया है। धुलने के बाद थोड़ी देर के लिए इनको बाहर छोड़ दिया है। और आपको ये सुख निकालना कैसे है, हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको जो है रिपोर्टिंग करने के कुछ बेसिक रूल होते हैं सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमेशा अपने अडेनियम प्लांट की जो है रिपोर्टिंग या प्रूनिंग हम फरवरी के सेकेंड हफ्ते से करते हैं, जब हल्की सी गर्मियां स्टार्ट होने लगती हैं, पिंक सीजन आ जाता है। पिंक सीजन जो होता है रिपोर्टिंग के लिए या कटिंग के लिए या प्रूनिंग के लिए बेस्ट होता है। तो इस मंथ में जो है हम अपने जो है अडेनियम को रिपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी आप बारिश में या विंटर के सीजन में अगर आप अपने अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे या प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट डेड हो सकता है। बारिश में करेंगे तो इसका फंगस लग सकता है, तो आपका प्लांट सड़ सकता है। इसके अलावा अगर जाड़े में करेंगे, जाड़े में ये डोरमेंसी पीरियड में होता है, तो डोरमेंसी पीरियड में हम अडेनियम को ना ही कोई खाद देते हैं, ना ज़्यादा पानी देते हैं, ना ही इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, ना इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग के लिए अभी आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही छोटे गमलों में, ये बड़े साइज का आप देख रहे हैं, ये इसका देखिए कितना रूट बॉल बहुत बड़ा हो गया था, तो इसको हमने जो है किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करने का सोचा। देख रहे हैं आप इसकी कितनी जड़ें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो इसकी जड़ों की जो है हम थोड़े से छटाई करेंगे, छटाई करने के बाद इसकी जो है हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस गमले से जो है इसको निकालना कैसे है। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग करने के पहले आपको एक बात और का ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग करने से पहले आपका जो ये प्लांट जो है थोड़ा सा सूखा होना चाहिए, आपके इसकी ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इसको जो दूसरे प्लांट में रिपोर्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो ये जब सूखा हो तभी इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इसको जो है आसानी से पहले निकाल लेते हैं। ये हमने जो है इसको जो है देखिए निकाल लिया। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं इसको हमने जो है निकाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको जो निकाल दिया है, इसमें रूट्स जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी हो रही थी, तो इसको रिपोर्ट करने की जरूरत थी। इसके रूट्स की जो है हम थोड़ा सा प्रूनिंग करेंगे, देख रहे हैं आप। इसके वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमने इसमें जो है नीचे कंकड़ रखे थे, तो कंकड़ जो है इसमें फंस रहे हैं, कंकड़ को जो भी है आसानी से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कभी भी इसको मैन्युअली निकालने से अच्छा है कि हम जो है इसको जो है अपनी बाल्टी में डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से निकलेगा। तो हम जो है इसको बाल्टी में, फ्रेंड्स ये इसको बाल्टी में हम जो है डाल देंगे तो ये आसानी से इसकी जो पूरी मिट्टी जो है, ये देखिए पूरी आसानी से निकल जा रही है। तो ये हम जो है इसको निकाल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए डाल देंगे, ये हमने डाल दिया। फ्रेंड्स, हम इसकी जो है जड़ को जब साफ कर लेते हैं, पानी साफ कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको सुखा लेते हैं। देखिए अभी पूरी तरह से सूख चुका है, तो अब हम जो है इन जड़ों की जो है हल्की से प्रूनिंग करेंगे। जो अननेसेसरी जड़ें हैं, जो ऊपर साइड से जड़ें निकल रही हैं, इनको हम जो है कट करेंगे। फ्रेंड्स, कट करने के लिए आप नई ब्लेड का सहारा लीजिए या तो ऐसी सीजर लीजिए, कैंची लीजिए जो है सैनिटाइज हो। तो अभी हम जो है कैंची है हमारे पास, कैंची से जो है हम इसको जो है ऊपर की जड़ों को जो है कट करेंगे। ये हमने ऊपर की जड़ों को कट कर लिया, ये जो है ये जड़ों को जो है हम कट कर लेंगे।
फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसकी जो है जड़ों की जो है पूरी प्रूनिंग कर दी, एक शेप दे दिया, जो ख़राब सी जड़ें थी, पतली जड़ें थी, उनको जो है हमने हटा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको किसी फंगीसाइड में जो है इसको डुबोना है लगभग 10-15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास फंगीसाइड नहीं है, हमारे पास हल्दी का पाउडर है, तो हमने हल्दी का जो पाउडर जो है उसको लिक्विड में ले लिया है। हम हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, फंगीसाइड का ही काम करता, तो हम इसको जो है इसमें जो है फ्रेंड जो है डुबो देंगे। इसे डुबो के लगभग 10-15 मिनट के लिए हम इसको जो है छोड़ देंगे। फ्रेंड्स इसकी जड़ों की प्रूनिंग करने के बाद इसको फंगीसाइड में लगभग 10-15 मिनट डालने के बाद, इसको सुखाने के बाद जो है अब हम जो है इसको अपने पॉट में रिपॉट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी के पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने हल्दी का पाउडर यूज़ किया है इसमें हर जगह, हल्दी का पाउडर इसके पीछे, इसके पहले भी हमने जब इसकी प्रूनिंग किया था हल्दी का पाउडर ही यूज किया था, हमारे प्लांट्स में कोई फंगस नहीं लगा था, बहुत ही अच्छा प्लांट आया था। तो फ्रेंड्स अब जो है हम अपने पॉट को लेते हैं। पॉट में आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो आपको जो छेद दिख रहा है ये ज़रूर होना चाहिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ये अब इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पॉटिंग सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। पॉटिंग सॉइल मिक्स में जो आपको जो लेना है ये लगभग जो है 40% गार्डन सॉइल लेना है। इसमें हमने जो है 40% गार्डन सॉइल लिया है, ये आपका गार्डन सॉइल हो गया, 40% गार्डन सॉइल लिया है। इसके अलावा हमने फ्रेंड्स लगभग इसमें जो है 10% जो है राइस हस्क भी मिलाया है, और इसके अलावा जो हमने इसमें जो है ये रिवर सैंड लिया है, लगभग 20% रिवर सैंड लिया है, और इसके अलावा हमने इसमें जो है गोबर की खाद लगभग 20-25% लिया है। तो ये पॉटिंग मिक्स हमारा रेडी है प्लांट को रिपॉट करने के लिए। फ्रेंड्स पॉट में हम जो है थोड़ा से नीचे जो है ईंट के टुकड़े या गमले के टुकड़े रखेंगे, क्योंकि ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम करते हैं, इससे जो आपका ये छेद होता है ये बंद नहीं होता, तो हम ये छेद के ऊपर इसको रख लेंगे। और इसके अलावा जो है हम अगल बगल जो है छोटे टुकड़े रखेंगे, ताकि हमारा ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही रहे और इसमें जो है आपका जो जो होल है ये बंद ना हो। इसके अलावा अब हम फ्रेंड्स इसमें थोड़ा से अपना जो है पॉटिंग मिक्स डालेंगे, ये हमने ऐसे डाल दिया। पॉटिंग मिक्स थोड़ा सा दबा देंगे, नहीं तो हमारा जो है पूरा वाटर जो है ड्रेन होके नीचे चला जाएगा जब भी पानी डालेंगे। तो इसको थोड़ा से हम पुश करते हैं, दबाते हैं, अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने जो आपका जो है अडेनियम का प्लांट है इसको हमेशा ऊपर साइड करके लगाएंगे। अगर ऊपर साइड लगाएंगे तो इसका जो कॉर्टेक्स होगा साइड में मोटा होगा और रूट्स जो है नीचे निकलेंगे। अगर ऊपर से रूट्स निकलने लगती है तो ये कॉर्टेक्स का साइज भी बिगड़ने लगता है, और कॉर्टेक्स का साइज उसी स्पीड से नहीं बढ़ता। तो हम जो है हमेशा जो है इसको ऊपर साइड करके जो है लगाते हैं, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप इसको ऊपर लगाइए। ऊपर लगाने के बाद जैसे कि हमने इसको रख दिया, अब इसमें जो है ऊपर से जो है हम मिट्टी डालेंगे। ये हमने जो है इसमें मिट्टी डाल दिया, पॉटिंग मिक्स हमारा जो है इसको हम जो है अच्छे से चारों तरफ जो है अच्छे से भर देंगे। फ्रेंड्स आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपका जो पॉटिंग मिक्स हो वो वेल वाटर ड्रेन हो, ड्रेनेज सिस्टम का काम करता हो, इसमें पानी जो है आपका रुकना नहीं चाहिए, आपका मिट्टी जो है बहुत ही हल्की होनी चाहिए ताकि इसके रूट्स को फैलने में मदद मिले, और इसके अलावा इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए हमने इसमें जो है राइस हस्क का यूज किया है, इसके अलावा रिवर सैंड का यूज किया है। रिवर सैंड आपका जो होता है ये हल्की सी मॉइस्चर बना के रखता है, उसके अलावा अगर आप इसमें पानी भी डालते तो उसको सोख लेता है, और बार बार हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नीचे नमी बना के रखता है। इसके अलावा आपका जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको भी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखता है। राइस हस्क भी वही काम करता है, आपका जो है वाटर ड्रेनेज सिस्टम में सही रहता है। उसके अलावा ये मॉइस्चर हल्का से बना के रखता है, आपको बार बार इसको, क्योंकि
वाटर ड्रेनेज इसका सिस्टम भी जो है सही होना चाहिए और हम इसमें बार बार पानी भी नहीं डालते हैं, तो इस हिसाब से आपका जो पॉटिंग मिक्स होता है ये सबसे सफिशेंट पॉटिंग मिक्स होता है। तो फ्रेंड्स जो है अभी हमने इसको जो लगा दिया है, अब जो है हम इसमें सही से चारों तरफ से अच्छी से जो है अच्छी तरीके से जो है मिट्टी जो है हम इसमें जो है भर देंगे। आपको एक बार का ध्यान रखना है, आप अपने पॉट का जो है इसमें ज़्यादा जगह ना रखें, तो पानी ज़्यादा रुकेगा तो आपका प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। तो आपको इसमें चूँकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम अपने इस पॉट में पूरी मिट्टी भरेंगे। तो इसकी मिट्टी भरने के बाद ये होता है कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं आता और इसका कॉर्डेक्स भी जो होता है अच्छी तरह से मोटाई भी इसकी कॉर्डेक्स की अच्छी आती है। अभी जो है ये अभी हम पानी डालेंगे तो ये कॉर्डेक्स जो है दिखने लगेगा और इस कॉर्डेक्स का साइज बड़ा आएगा। तो अब हम इसमें जो है अपना जो है पानी डालेंगे। इसके बाद फ्रेंड इसमें अच्छे से एक बार पानी जो है हम डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसको जो है धूप वाली जगह में जो है रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसको जो है धूप में रखने के बाद हम इसकी 6 से 7 दिन बाद इसकी जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। नीचे से प्रूनिंग करेंगे तो इसमें जो है और ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, नई ब्रांचेस आएंगी, तो इसकी हम 6-7 दिन बाद प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग का हम अलग वीडियो बनाकर शेयर करेंगे फ्रेंड्स आपके साथ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ नए जानकारी लेकर। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।